पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक विवाद खत्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बार बार नेताओं को सख्त हिदायतें दिए जाने का असर भी यहां पर नहीं दिख रहा है। पार्टी फोरम पर होने वाली बातें सार्वजनिक मंचों पर कही जा रही हैं। पंजाब में कांग्रेस ने चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी बदला है। यहां तक कि पार्टी ने प्रदेश प्रभारी भी बदल दिया। लेकिन इसका फायदा पार्टी को तभी मिलेगा जब वो एकजुट होकर लड़ेगी। लेकिन इस समय तो लड़ाई आपस में ही दिख रही है। पार्टी सांसद मनीष तिवारी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हो, वो अपनों पर ही सवाल उठा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। ये मुश्किल विपक्ष से कम और खुद के जरिए ज्यादा पैदा की जा रही है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से राज्य का प्रभार उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के चलते वापस ले लिया गया था, लेकिन रावत अभी भी पंजाब से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक लेख में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि कैप्टन ने जनता और पार्टी विधायकों से दूरी बना ली थी, जिस कारण उन्हें हटाना पड़ा। इस पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जवाब देते हुए हरीश रावत के साथ साथ पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी निशाने पर ले लिया। मनीष तिवारी ने कहा, आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की खुलकर अवहेलना की जा रही है और कांग्रेस के नेता आपस में बच्चों की तरह सार्वजनिक रूप से लड़ रहे हैं। बरगाड़ी, ड्रग्स, पावर PPA, रेत खनन जैसे तमाम मुद्दे गायब हो गए। क्या कोई आंदोलन आगे बढ़ा है? दरअसल जिन मुद्दों का जिक्र मनीष तिवारी ने किया, इन्हीं मुद्दों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस में बगावत हुई थी और इसका नेतृत्व किया था पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई। सिद्धू की बगावत के चलते कैप्टन की कुर्सी चली गई। सिद्धू को उम्मीद थी कि पार्टी कैप्टन की जगह उन्हें CM बनाएगी, लेकिन CM की कुर्सी मिल गई चरणजीत सिंह चन्नी को। अब सिद्धू के निशाने पर चन्नी सरकार आ गई है। सिद्धू ने एक बार फिर पुराना राग छेड़ते हुए ट्वीट किया, पंजाब को अब अपने असल मुद्दों पर वापस आना चाहिए। ये मुद्दे हर पंजाबी और हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता की बड़ी वजह हैं। हम उस वित्तीय मुश्किल का सामना कैसे करेंगे जो लगातार हमारे सामने परेशानी पैदा कर रहा है। मैं लगातार असल मुद्दों पर डटा रहूंगा और पिछली सीट पर नहीं बैठूंगा। अपने दूसरे ट्वीट में सिद्धू ने कहा, ये स्थिति में सुधार और भारी नुकसान के बीच अंतिम चुनाव है। सवाल है कि राज्य के संसाधनों को निजी जेबों में जाने के बजाय राज्य के खजाने में कौन वापस लाएगा? हमारे महान राज्य को समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए नेतृत्व कौन करेगा? अपने तीसरे ट्वीट में उन्होंने पंजाबियत की जीत का दावा किया है, लेकिन सिद्धू के तेवरों से साफ है कि कैप्टन की तरह चन्नी सरकार को भी वो राहत की सांस नहीं लेने देंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।